तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, अब सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आप लोग से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी कड़ी में जो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा है, संबंधित है 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग से। दरअसल देखिए, परसों के डेट में कैबिनेट की मीटिंग वगैरह प्रस्तावित है, उस दिन होना है, तो संभावनाएं पूरी बन रही है कि हो सकता है 33,000 शिक्षक भर्ती पर कुछ जबरदस्त फैसले वगैरह लिए जा सकते हैं। क्या है पूरी बात, आगे इस पर डिस्कशन वगैरह करेंगे। सेकेंडली देखिएगा दोस्तों, एक तरफ हमारे प्रदेश के जो अभ्यर्थी है ना, लगातार शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, लगभग सब कुछ उन्होंने करके देख लिया। जबकि ये जो शिक्षक भर्ती की बात है ना, इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में की थी, एक प्रकार से वायदा किया था, तो उसको तो वैसे भी निभाना था, लेकिन छात्र अभी भी दरबदर भटक रहे हैं। वहीं दूसरे अगर देखिए, एक और स्टेट है जहाँ पर ऐसे ही देखिएगा, शिक्षक भर्ती की बात वगैरह हुई थी, यानी कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में मेंशन किया गया था, वायदे वगैरह किए गए थे, और उस वायदे के तहत देखिए यहाँ पर लगभग 11,000 शिक्षकों के पदों पर तत्काल तुरंत यानी कि तड़फड़ जो है यहाँ पे नियुक्ति वगैरह भी दे दी गई है। क्या है पूरी बात, इस पर आगे डिस्कस करेंगे। प्लस मैं बता दूँ, कुछ ऐसी भर्तियाँ भी हैं जिन पर देखिए आपको तत्काल तुरंत नियुक्ति भी मिलनी है, इन पर आगे चलकर हम डिस्कशन वगैरह करने वाले हैं। इसी कड़ी में देखिएगा दोस्तों, 242 पदों पर एक पर्टिकुलर भर्ती वगैरह निकली थी, यानी कि उस पर जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंट अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं, इस पर चर्चाएं करेंगे। और देखिए CGPSC भर्ती घोटाला, लगभग सभी कोई इसके बारे में काफ़ी डिटेल में जानते हैं। इससे संबंधित देखिए बिल्कुल ताबड़तोड़ कार्रवाई वगैरह देखने को मिल रही है, बहुत से एंगल से जाँच वगैरह हो रही है। पूरी बात मैं आगे इस वीडियो में करने वाला हूँ, तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिएगा, इन पर मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। बाकी रिक्वेस्ट है वीडियो को स्टार्टिंग में, वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है और शेयर करते हुए चलना है, ताकि आप उनसे जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण मुद्दे अपने उचित स्थान तक भी पहुंच सके और उससे आप लोग का भी लाभ हो सके। चलिए इन पर मैं डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करता हूँ। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, साइड में इसका जो डॉक्यूमेंट वगैरह है ओपन हो गया, जो कि निकल कर आ रहा है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जांजगीर चांपा से। अब देखिए, इनके द्वारा 15 अक्टूबर 2024 यानी कि कल ही के डेट में सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल मिलाकर 500 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ वगैरह ली जाएंगी। बिल्कुल देखिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि आपको जॉब की अति आवश्यकता है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह, तो बिल्कुल आप इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप को अटेंड करके अपने अच्छा जॉब जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर दूँगा, वहाँ जाकर इसे चेकआउट कर पाएंगे। अब चलेगा, इसी कड़ी में जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट है ना, इस बारे में बात कर रहता हूँ। साइड में डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, जो कि निकल कर आ रहा है कार्यालय कलेक्टर एवं मिशन संचालक समग्र शिक्षा जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से। अब देखिए, इनके द्वारा जिले के अंदर संचालित होने वाले 200 सीटर कन्या आवासीय जो विद्यालय वगैरह होते हैं ना, उनके लिए उनके हेतु यहाँ पर देखिए लेखापाल के 4 पदों पर भर्तियाँ वगैरह ली जाने वाली है। 4 पदों पर भर्तियाँ होंगी, लेखापाल का पोस्ट है। इसके लिए देखिएगा, जो आपको ऑफलाइन आवेदन वगैरह करना है वो प्रारंभ हो चुका है, लास्ट डेट है 22/10/2024 का। और यहाँ पे जो आपको नियुक्ति वगैरह मिलेगी नकल के डेट में, इसके लिए आपको मासिक वेतन वगैरह देखिए कितना मिलना है, 25,000 रुपये महीना आपको मासिक वेतन रुपये मिलना है यहाँ पे। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल इसके भी डॉक्यूमेंट वगैरह मैं सब कुछ हमारे टेलीग्राम पर व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर देता हूँ, आप जाके इसे चेकआउट कर पाएंगे। अब इसी कड़ी में जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, इस पर मैं बात कर लेता हूँ, जो कि संबंधित है CGPSC भर्ती घोटाला 2021। ये मामला बहुत ज़्यादा उछला था, आपको पता है, पूरा इलेक्शन जो है इस बेस पर भी कहीं ना कहीं लड़ा गया था, पिछला वाला विधानसभा। और देखिए, युवाओं का एक प्रकार से बहुत आक्रोश था इस पर्टिकुलर मैटर को लेकर। आज इस पर हम लोग काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत अच्छा खासा लेख छपा है, साइड में डॉक्यूमेंट शो कर रहा हूँ। दरअसल देखिए, इस पर्टिकुलर मैटर पर जो 18 अभ्यर्थी वगैरह थे ना, जिन पर धांधली की आशंका वगैरह जताई जा रही थी, या फिर एक प्रकार से संशय वगैरह है, उनके यहाँ देखिएगा घर वगैरह में छापेमारी की गई है। साथ साथ क्या क्या कार्रवाई हुई है, वन बाई वन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, उनके किताब, नोटबुक, मोबाइल, लैपटॉप आदि की जांच वगैरह की गई है। साथ ही साथ कुछ के घर से तो हार्ड डिस्क एवं पेन ड्राइव वगैरह जो होते हैं ना, उनको भी जब्त किया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पर अभ्यर्थी उनके परिजन है ना, उनके बैंक खातों की जाँच की गई है। इसी में देखिए, संदिग्ध अभ्यर्थी जो है ना, एवं PSC के जो अधिकारी है, उनके 5 साल के कॉल डिटेल वगैरह, साथ साथ लोकेशन वगैरह चेक किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रश्न पत्र छापने वाली जो प्रिंटिंग प्रेस थी ना, उनके ओनर से भी पूछताछ वगैरह की जा रही है। यानी कि लगभग सभी एंगल से जांच वगैरह हो रही है, एकदम ताबड़तोड़ कार्रवाई वगैरह हो रही है। देखते हैं आगे चलकर क्या निकल कर आता है, यदि कुछ गलतियाँ निकल में आती है
तो मैं आशा करूंगा जो यहाँ पे छात्र वगैरह हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय भी हो। ये देखते हैं इसमें आगे क्या अपडेट होगा, निकल कर आता है। देखिए इसी कड़ी में जब हम CGPSC की बात कर रहे हैं ना, तो CGPSC की और रिसेंट भर्ती यानी कि CGPSC राज्यसभा परीक्षा 2023 242 पदों पर यहाँ पर भर्ती वगैरह निकली थी। लगभग पूरे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके थे। कुछ दिन पहले आपको पता होगा मेंस का रिजल्ट आया था और इंटरव्यू का भी पूरा शेड्यूल जारी हो गया था। लेकिन आज के डेट में सुबह सुबह देखिए एक अपडेट आता है जिसके तहत बताया गया है कि यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन एवं जो साक्षात्कार जो कि आज ही से शुरू होना था 14/10/2024 से लेकर 5/11/2024 तक, इसको अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। बाद में नए डेट्स वगैरह जारी होंगे। अब देखिएगा यहाँ पर यह भी चीज मेंशन किया गया, चूंकि अभी इस पर्टिकुलर एजेंसी में यानी कि लोक सेवा आयोग है ना, इसमें देखिए रिसेंटली आप सभी सारे को पता होगा कि नए कार्यकारी अध्यक्ष महोदय है उनका भी यहाँ पे नियुक्ति वगैरह हुआ है, प्लस साथ ही यहाँ पे बहुत से सदस्य वगैरह को भी नियुक्त किया गया है। तो जो संख्या है ना पूरे सदस्यों की थोड़ी बहुत बढ़ी हुई है। इस वजह से क्या किया जाएगा कि उनको मैनेज करते हुए अलग अलग जो है यहाँ पर इंटरव्यू पैनल वगैरह भी बनाए जा रहे हैं नए सिरे से। तो इस वजह से भी कहा जा रहा है कि शायद इसको डिले किया गया है और बहुत जल्द नए डेट्स वगैरह जारी हो जाएंगे। देखते हैं नए डेट्स जैसे ही आएंगे हम आपको सबसे पहले सूचना देने का प्रयास करेंगे। अब इसी कड़ी में चलेगा जो पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके लिए आप सभी साथी इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर मैं बात कर लेता हूँ। जी हाँ, ये संबंधित है 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग से। अब देखिएगा अभी अभी एक रिसेंट अपडेट आया है कि जो छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित BEd एवं DEd संघ है ना, जो इस पर्टिकुलर मैटर को लेकर काफी ज्यादा मुखर रहा है, हर जगह की उपस्थिति दिखी है और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बातें वगैरह 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार लोग रख रहे हैं। इनकी तरफ से देखिएगा क्या किया जा रहा है कि अपने अपने क्षेत्र के जो विधायक होते हैं ना उनसे ये लोग जाके देखिए मिल रहे हैं, मिलने का सिलसिला जारी है। और इसी कड़ी में देखिए इनके द्वारा जो कोंडागांव क्षेत्र है ना वहाँ के जितने भी अभ्यर्थी वगैरह हैं वहाँ पे जो रहते हैं उनके द्वारा अपने स्थानीय विधायक जी यानी कि लता उसेंडी जी से मुलाकात करके ये जो 33,000 शिक्षक भर्ती की जो मांग है ना उनके समक्ष इन्होंने रखा है, क्योंकि एक प्रकार से वायदा भाजपा सरकार के द्वारा किया गया। इसी मांग को उन्होंने जो है वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके समक्ष रखा है। और इसके पीछे कारण भी लगातार देखिए विधायकों से मिलने के पीछे कारण ये है कि देखिएगा 16 अक्टूबर 2024 यानी कि परसों के डेट में कैबिनेट की मीटिंग वगैरह भी होनी है। तो देखिए जो जनप्रतिनिधि जो मुलाकात वगैरह करते हैं कहीं ना कहीं इनकी बात जो कैबिनेट मीटिंग में बैठेंगे ना जो मंत्री वगैरह उन तक भी जाएगी। तो एटलीस्ट इस पर्टिकुलर मैटर पर डिस्कशन तो होगा। वैसे भी कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट मीटिंग में युवाओं को लेकर भी बहुत से मुद्दे हैं, उन पर डिस्कशन वगैरह होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः देखिएगा 33,000 शिक्षक भर्ती पर कन्फर्म श्योर शॉट मान के चलिए चर्चा वगैरह होना ही है। अब देखते हैं वहाँ से निष्कर्ष वगैरह क्या निकल कर आता है। मुझे आशा है कि देखिए इस पर्टिकुलर भर्ती पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बात वगैरह होगी, यही हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि ये जो लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुई थी पिछले महीने और इस बार का जो पहला कैबिनेट मीटिंग हो रहा है ना, इस बीच में 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र बहुत ज़्यादा मुखर रहे हैं, बहुत से आंदोलन बहुत से कुछ देखिए एक्टिविटीज़ वगैरह किए गए हैं छात्रों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर मुद्दे को यहाँ डिस्कस जरूर किया जाएगा। बाकी क्या निष्कर्ष निकल कर आता है देखते हैं यहाँ पे। और इसी कड़ी में देखिए चूंकि यहाँ पे समस्त चीज़ जो छात्र अभी कर रहे हैं ना जो वायदा वगैरह उनको किया गया था उसी के तहत कर रहे हैं, और वायदा अगर करते हो जीवन में एक नियम है वायदा अगर करते हो तो निभाना भी पड़ता है, और यही चीज़ हमको देखने को भी मिला है। दरअसल देखिए यहाँ पे छात्र मांग कर करके परेशान हो जा रहे हैं। वहाँ पे देखिए दूसरा स्टेट है यानी कि मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर देखिएगा वहाँ पे जो CM महोदय है ना उनके द्वारा देखिए जैसे ही लोग सत्ता में आए, क्योंकि सत्ता में आने से पहले इनके द्वारा अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये सब घोषणाएं वगैरह की गई थी कि हम लोग जितने भी सरकारी पद वगैरह खाली है ना उन पर भर्ती लेंगे जैसे सत्ता में आते हैं। अब सत्ता में आ गए, सत्ता में आके जनरली क्या देखा जाता है लोग अपने वायदे को भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने भूला नहीं, सत्ता में आए हैं। और आते ही साथ देखिएगा इन्होंने जो शिक्षक भर्ती का इनका यहाँ पे चल रहा था ना भर्ती प्रक्रिया पूरा उसको कंप्लीट कर दो, मात्र 65 दिनों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करके लगभग 11,000 पदों पर ना पूर्ण करके देखिएगा यहाँ पर नियुक्ति पत्र वगैरह भी बांट दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी कि जो वादा किया उसको निभाया है। तो मैं ये भी छत्तीसगढ़ शासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए एग्जांपल सेट किया है उसको फॉलो करते हुए आप लोगों ने भी जो वायदे किए थे तत्काल तुरंत उसको पूर्ण करिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रांग मैसेज छात्रों में भी युवाओं में भी जाएगा। चलिएगा इसी आशाओं के साथ आज इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।